الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق اور نہیں قتل کرتے کسی نفس کو کسی جان کو جسے اللہ رب العزت نے حرمت بخشی ہے مگر حق کے ساتھ ولا يزنون اور وہ جو زنا نہیں کرتے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا اور جو کوئی کرے یہ گناہ تو سامنا کرنا پڑے گا اسے ان گناہوں کے وبال کا آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو
रहमान के बंदों की। सिफात और उनके अवसाफ, दुनिया में उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुज़रती है, उसके बारे में बयान चल रहा है। गुज़िश्ता जुम्मा में इससे पहली आयत करीमा والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا इसके बारे में अर्ज किया गया था कि इसमें एतदाल सिखलाया गया है कि जो अल्लाह के बंदे हैं वो माल के अंदर न तो इसराफ करते हैं खर्च करने में और ना उन मौके के अंदर जहाँ खर्च करना चाहिए बुखल करते हैं, बल्कि वकान बैन ज़ालिका क़वामा, माली मामलात में उनका मामला एतदाल के साथ होता है। जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ खर्च करते हैं और जहाँ खर्च नहीं करना चाहिए वहाँ रुक जाते हैं। इसी के ज़िम्मे में मैंने अर्ज़ किया था कि हर एक काम के अंदर एतदाल सिखलाया गया है कि इस्लाम दीन ही एतदाल वाला है, कि जो भी काम करो उसमें एतदाल, चाहे वो ज़िक्र हो चाहे वो तलावत हो नवाफिल की अदायगी हो, जो काम शुरू करो उसको फिर हमेशा करते रहो और हमेशा उसको बजा लाते रहो। दवाम और हमेशगी मतलूब है किसी भी काम के अंदर, और इकरा और सख्ती नहीं है कि इंसान की तबीयत ना हो और फिर भी जबर करके उस काम को करे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए, छत से एक रस्सी लटक रही थी। फरमाया कि ये रस्सी कैसी लटक रही है? अर्ज़ किया गया अज़वाजे मुतहरात में से उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्म सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इबादत करती हैं रात के वक़्त, और ये रस्सी इसलिए लटकाई है ताकि नींद आए तो इसका सहारा लिया जा सके। इसका सहारा ले करके बैठ जाती हैं फिर इबादत करती हैं। तो फरमाया इसकी क्या ज़रूरत है, जब नींद आ जाए तो सो जाओ और सोने के बाद फिर जब तबीयत के अंदर ताजगी पैदा हो जाए तो उठ करके फिर अल्लाह की इबादत करो। तो इस तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं है कि नींद आ रही है और रस्सियाँ लटका करके या दीवारों का सहारा ले करके इंसान इबादत करे, बल्कि फरमाया कि जब तक तबीयत के अंदर नशात हो ताजगी हो इबादत करो, नींद आए तो सो जाओ आराम करो फिर उठ करके अल्लाह की इबादत करो। तो एतदाल सिखलाए। अब आगे सातवीं सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमा रहे हैं कि रहमान के जो बंदे हैं उनकी सातवीं सिफत यह है वल्लज़ीना ला यदउना मअल्लाहि इलाहन आखर, कि वो लोग जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, अल्लाह का कोई साजी और कोई शरीक वो नहीं ठहराते, बल्कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। इसलिए कि वो यकता है ज़ात के अंदर भी, उस जैसा कोई दूसरा नहीं,
सिफात के अंदर भी वो एकता है, उस जैसा कोई दूसरा सिफात के अंदर नहीं, और अफाल के अंदर भी वो एकता है कि उस जैसा दूसरा कोई फेल करने वाला नहीं। तो ज़ात और सिफात और अफ़ाल हर एतबार से वो यकता है और बेमिसल और बेमिसाल, उस जैसा कोई दूसरा नहीं। इसलिए फरमाया कि जो रहमान के बंदे हैं वो उसके साथ किसी को शरीक और साजी नहीं ठहराते। उसकी ज़ात ऐसी है कि ला महदूद, हर जगह पे उसकी ज़ात मौजूद है, और उसकी ज़ात के सिवा बाकी जितने भी मखलूकात हैं और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब महदूद हम और आप हैं। अल्लाह ने सारे मखलूकात में से जिनको शराफत दी, अशरफुल मखलूकात बनाया, वो इंसान है। लेकिन इंसान की एक हद है, उस हद से बाहर नहीं। डेढ़ गज की हद है इंसान की, तो हर एक इंसान अपनी एक हद के अंदर, उससे बाहर नहीं। पहाड़ हैं, बड़ी मखलूकात हैं, लेकिन कितना भी बड़ा पहाड़ हो उसकी भी एक हद है। कितना फैला हुआ हो लेकिन हद से बाहर नहीं। समंदर हैं, वो पहाड़ों से भी ज्यादा फैले हुए हैं, लेकिन फरमाया कि वो भी हद के अंदर हैं। एक ना एक हद है जहां खुश्की शुरू हो जाती है, तरी खत्म हो जाती है, तो वो भी हद से बाहर नहीं। जमीन है, कितना बड़ा कुर्रा है, लेकिन इसकी भी एक हद है, और उस हद से बाहर नहीं। फिजा है, उसकी हद है, सातों आसमान है, उसकी हद है, हद से बाहर में। और फिर इन सातों आसमानों और सातों जमीनों और सातों आसमानों और सातों जमीन के अंदर जो कुछ है, जितनी मखलूकात हैं, इन तमाम मखलूकात से जो बड़ी मखलूक है वो अल्लाह की कुर्सी है, लेकिन उसकी भी एक हद। अबा ज़र रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र, मा फिस समावाति सब्अ वल अर्ज़ूना सब्अ वमा बैनहुन्ना वमा फीहिन्ना। फरमाया ए अबू ज़र, सातों आसमान, सातों जमीन और सातों आसमान और जमीन के दरमियान में जो कुछ है, फरमाया इसकी मिसाल अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में ऐसी है, का खलकतिन मुल्कातिन फी अर्ज़ फुलातिन, जिस तरह की एक अंगूठी हो, एक छल्ला हो, और उसको बहुत बड़े मैदान के अंदर डाल दिया जाए, तो उस मैदान के मुकाबले में उस छल्ले की कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह फरमाया कि सातों आसमान और सातों जमीन और जो कुछ इसमें है, इससे बढ़ करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्सी, लेकिन उसकी भी एक हद। और फरमाया कि फिर जो अल्लाह की कुर्सी है, ये अल्लाह के अर्शे अजीम के मुकाबले में ऐसी है, कतिल कल खलका पीतिल कल फौलाद, जिस तरह के वो अंगूठी का छल्ला उस बड़े मैदान के अंदर। तो सारी मखलूकात में सबसे बड़ी जो मखलूक है फरमाया वो अर्श अजीम, वजन के एतबार से भी और वसअत के एतबार से भी, कुशादगी के एतबार से भी। फरमाया इस पूरी कायनात को अर्श ने एक कुब्बा की तरह से ढांपा हुआ है, मिसल छत के। लेकिन फरमाया अर्श अजीम की भी एक हद है। तो फरमाया वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर,
रहमान के बंदे वो हैं कि जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक और साजी नहीं ठहराते। क्यों? कि वो लामहदूद ज़ात, उसकी कोई हद नहीं। जितनी भी मखलूकात थी वो महदूद, एक हद पर जाकर ख़त्म हो जाएगी, कितनी बड़ी से बड़ी मखलूक क्यों ना हो। लेकिन वो ज़ात लामहदूद है, जहाँ जाओ वहाँ मौजूद, आसमानों पर चले जाओ मौजूद, ज़मीन की तह के अंदर चले जाओ मौजूद, समंदर की तह में पहुंच जाओ मौजूद, हर जगह मौजूद। तो वो लामहदूद ज़ात, तो इसलिए फरमाया कि जो ज़ात लामहदूद हो वही इबादत के लायक हो सकती है, उसके साथ किसी और को इबादत में शरीक न किया जाए। और जिस तरह फरमाया वो अपनी ज़ात में लामहदूद और यकता है, उसके मिसल और मिसाल कोई और नहीं, इसी तरह अल्लाह अपनी सिफात के अंदर भी यकता है। जितनी भी अल्लाह की सिफात हैं, उन सिफात में उनका कोई साजी और शरीक नहीं। मिसाल के तौर पर एक सिफत इलम है, एक है हमारा और आपका इलम। आपको 100 मसले मालूम होंगे, दूसरे आदमी को 200 मालूम होंगे, तीसरे को 1000 मालूम होंगे, चौथे को 10000 मालूम होंगे, कितना ही इलम क्यों ना हो, लेकिन एक हद के ऊपर जाकर के ख़त्म हो जाए, उससे आगे जहालत शुरू हो जाए। लेकिन फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इलम है वो लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं। इंसानों के पास जितना भी इलम है, एक आम इंसान से लेकर के अल्लाह के बरगजीदा हस्ती अम्बिया अलैहिस्सलाम तक, जितना इलम है अल्लाह का दिया हुआ, और इन तमाम उलूम की हद है, महदूद हैं, लेकिन अल्लाह का इलम लामहदूद। फरमाया वइंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हु व यालमु मा फिल बर्रि वल बहर वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ध वला रतबिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है कि उसके पास गैब की कुंजियाँ हैं, गैब का इलम उसके पास। ला यालमुहा इल्ला हु, ऐसा इलम कि उसके सिवा कोई और नहीं जानता। उम्मुल मोमिनीन सैयदा ताहिरा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि उसके पास गैब का इलम है, आसमानों और ज़मीन का इलम, और उसके सिवा किसी और के पास गैब का इलम नहीं। अब जो इंसान ये दावा करे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल के बारे में ख़बर दे देते हैं, तो उसने अल्लाह के ऊपर इफ्तिरा किया, बोहतान बांधा कि अल्लाह तो ये फरमा रहे हैं कि वइंदहु मफातिहुल गैब, और वो ये दावा कर रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल के बारे में खबर दे देते हैं। तो फरमाया कि वइंदहु मफातिहुल गैब, गैब का इल्म अल्लाह के पास है, और जितना इल्म अल्लाह के पास है किसी के पास भी नहीं। इंसानों का इल्म महदूद है, उसका इल्म लामहदूद। यालमु मा फिल बर्रि वल बह, जो तरी के अंदर है, खुश्की के अंदर है, वो उसके इलम के अंदर है, और जो समंदरों के अंदर है वो उसके इलम के अंदर है। मा मिन ज़रइन अलल अर्द वलल अस्मार अलल अशजार वला मा फी बहरिन वला बर्रिन इल्ला कतबल्लाह हाजा रिज़्क़ु फ़लान इब्न फ़लान। जो कुछ खुश्की के अंदर है, ज़मीन के अंदर है, ज़मीन के ऊपर है, दरख्तों के ऊपर, फलों की सूरत के अंदर मौजूद है, और जो समंदरों की तह के अंदर मौजूद है, फरमाया उन तमाम चीज़ों के ऊपर ये लिखा हुआ है, मक्तूबुन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाजा रिज़्क़ु फ़लान इब्न फ़लान। हर एक दाने के ऊपर ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
और ये फलां इब्न फलां का रिजक, फलां बेटे फलां का ये रिजक, तो हर एक दाने के ऊपर उसने लिखा हुआ है और जिसका रिजक है उसके बारे में वो जानता है, ऐसा वो इल्म वाला। और फरमाया वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा, इस कायनात के अंदर कहीं पर भी कोई दरख्त मौजूद है, उस दरख्त से जब कोई पत्ता गिरता है तो वो जानता है अयना तस्कुत, कहाँ वो पत्ता गिरा और कितनी देर वो पत्ता जो है वो हवा के अंदर मुअल्लक रहा और कहाँ पर वो गिरा, उसके इल्म से बाहर कोई चीज। और फरमाया कि जमीन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जो नबातात हैं, जितने जमीन के अंदर दाने हैं, फी ज़ुलुमात अल-अर्ज़, जमीन की तारीकियों के अंदर, उसके इल्म के अंदर है कि ये दाना कब उगेगा और कितना उगेगा, वमन याकुलुहा, इसको कौन खाएगा, उसके इल्म के अंदर। तो फरमाया ऐसी जात है कि जो सिफात के अंदर भी लामहदूद है, उस जैसी सिफात वाला कोई दूसरा नहीं, जितनी भी सिफात हमारी और आपकी एक महदूद ताकत है, कुव्वत, फरमाया उसकी ताकत की कोई हद व नहायत नहीं। जितने भी इंसान हैं उनकी ताकत महदूद है, कोई जो है स्पीकर उठा लेगा, कोई जानमाज उठा लेगा, कोई मेंबर उठा लेगा ज़्यादा ताकतवर हुए, लेकिन कोई इंसान ऐसा नहीं कि इस पूरी मस्जिद को उठा ले। एक दिन मस्जिद उठा लेगा लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि पूरी शफील को उठा ले, पूरे शहर को उठा ले। एक फरिश्ता ज़मीन का एक टुकड़ा उठा लेगा लेकिन उसके अंदर इतनी कुव्वत और ताकत नहीं है कि पूरी जमीन को उठा ले। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने चार बड़े बड़े शहरों को अपने पर के ऊपर उठाया, कौमे लूत की बस्ती में बड़े बड़े चार शहर थे। जब अल्लाह की तरफ से उनकी तबाही और हलाकत का हुक्म आया तो अपना पर उन बस्तियों के, इन शहरों के नीचे ले गए और उन शहरों को पर ऊपर आसमान की तरफ उठाया। और फरमाया इस तरह से उठाया कि बर्तनों के अंदर जो पानी मौजूद था वो भी हिला नहीं, वो भी गिरा नहीं। आसमान से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें, जानवरों की आवाज़ें आ रही, ऊपर ले गए और वहाँ ले जा करके आसमान से फिर पटक दिया ज़मीन के ऊपर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी ताकत दी हज़रत अलैहिस्सलाम के पर के ऊपर चार शेरों को उठा लिए, लेकिन फरमाया कि कितनी भी ताकत क्यों ना हो वो ताकत भी महदूद है, पूरी ज़मीन को भी नहीं उठा सकते। तो अल्लाह ऐसी कुव्वत और ऐसी ताकत वाले हैं कि उनकी कुव्वत और ताकत के मुकाबले में किसी और की ताकत नहीं। तो फरमाया कि वो ताकत के अंदर, सिफात के अंदर यकता हैं, उनके मिसल कोई नहीं। इसी तरह फरमाया कि जो अफ़ाल हैं, अफ़ाल के अंदर भी अल्लाह यकता है, कि जो फ़ेल अल्लाह कर सकता है कोई और नहीं कर सकता। माँ के पेट के अंदर अल्लाह बच्चा बनाते हैं, कोई और नहीं बना सकता। अल्लाह ने इस कायनात के अंदर चाँद को पैदा किया, सारे दुनिया के इंसान जमा हो जाएं, फ़िलासफ़र जमा हो जाएं, साइंसदान जमा हो जाएं, एक टुकड़ा नहीं बना सकते। चाँद तो दूर की बात है, ज़मीन का एक टुकड़ा बनाना चाहें किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो ज़मीन का एक टुकड़ा बना लें, सूरज की एक किरण बना लें। या अय्युहन नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह, ए लोगो अल्लाह एक मिसाल बयान करते हैं, गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख़लुकू ज़ुबाबन वला यजतमऊ लह वइन यस्लुबहुम अज़्ज़ुबाब शैअन ला यस्तन्क़िज़ुहु मिन्हु ज़ऊफ़ अत्तालिब वल मतलूब, कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, उनको मुश्किल कुशा, हाजत रवा और नफ़ा नुकसान का मालिक समझते हो, लन यख़लुकू ज़ुबाबा, फरमाया ये सारे के सारे जमा हो जाएं तो एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते।
वहीं यस्तुबहु जुबाबु शैया, मक्खी का पैदा करना तो दूर की बात है, अगर एक मक्खी से कोई चीज लेकर के उड़ जाए ला यस्तनकिज़ुहु मिन्हु ज़ौफ़ अत्तालिबु वल मत्तू, ये पूजा करने वाले जिनकी पूजा की जाती है ये सारे के सारे जमा हो जाएं, उस मक्खी से वो चीज वापस नहीं ले सकते, इतने कमजोर। तो फरमाए के रहमान के बंदे कौन है, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر, कि जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराते, किसी और को साजी नहीं ठहराते, किसी और को मुश्किल कुशा हाजत रवा और नफा नुकसान का मालिक नहीं समझते, बल्कि वही मुश्किल कुशा वही हाजत रवा और उसी को नफा नुकसान का मालिक समझते हैं और उसी को पुकारते हैं, रिजक मांगता हो तो भी, औलाद मांगनी हो तो भी, और मुश्किलात के अंदर उसी को पुकारते हैं, उसके सिवा किसी और को नहीं पुकारते। तो अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि फरमाया कि जो ज़ात में अफ़ाल में सिफात में हर एक चीज़ के अंदर यकता है, और अम्बिया अलैहिस्सलाम ने इसी की तालीम दी, और ख़ुद अम्बिया अलैहिस्सलाम ने तकालीफ़ के अंदर मसाइब के अंदर मुश्किलात के अंदर अल्लाह को पुकारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने अकायद को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह सुन्नत अदा फरमाए।